नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। थाना हंडिया के इमामगंज डाणी में पेड़ काटने के विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंचे एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन प्रयागराज भेज दिया। हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी इमामगंज क्षेत्र के डाणी गांव में सोमवार को बल्ली का पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां थोड़ी ही देर में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जहां मारपीट में संकटा प्रसाद बिंद के सर में गंभीर चोटें आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। उर्मिला देवी पत्नी संकटा प्रसाद बिंद ने पुलिस से बताया कि हमारे पड़ोसी नेब्बू लाल बिंद पुत्र राम आधार बिंद, शीतला प्रसाद बिंद पुत्र राम आधार बिंद खेत के पास से पेड़ काट रहे थे, जो मेरे खेत में जा गिरता और मेरी फसल नष्ट हो जाती, इसलिए मेरे पति संकटा प्रसाद ने इसका विरोध किया तो सभी एकजुट होकर मेरे पति के ऊपर टूट पड़े, जहां उन्हें लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, नेब्बू लाल बिंद ने उनके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे संकटा प्रसाद के सर पर गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक संकटा प्रसाद का चचेरा भाई सुनील व जेताई गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस बात को लेकर परिजन मृतक का शव पुलिस को नहीं दे रहे थे। परिवार के लोग इतना उत्तेजित थे कि हत्या करने वाले के घर पर चढ़कर उसके लगे पेड़ पौधों को उखाड़ने लगे। पुलिस द्वारा भारी मशक्कत के बाद उन्हें रोका गया, जहां सूचना पर पहुंचे एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम डांडी थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पटीदार संकटा प्रसाद बिंद और नेबूलाल बिंद दोनों का झगड़ा कुछ पेड़ों को लेकर हो गया है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। कुछ समय बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि संकटा प्रसाद बिंद की लाठी डंडा चलने से और सरिया चलने से मृत्यु हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीन अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्रयागराज संवाददाता अश्वनी कुमार की रिपोर्ट।